ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रबंधन करना, राजनीति करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। चुनावी रणनीतिकार और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के ब्लू आइड बॉय प्रशांत किशोर इन दिनों ये बात बहुत गहराई से समझ रहे होंगे। प्रशांत अब तक किसी भी तरह के विवाद से अलग रहे हैं, लेकिन हाल ही में मीडिया में दिए गए अपने बयान को लेकर वह विवादों में है और जदयू नेताओं की नजरों में खटकने लगे। पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2017 में राजद से गठबंधन खत्म करने के बाद जदयू को दोबारा चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनानी चाहिए थी। यहां बताते चले कि 2013 में एनडीए से नाता तोड़कर जदयू ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने शानदार जीत दर्ज कर सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। 2017 के बीच में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। राजद समेत अन्य दलों ने नीतीश कुमार के इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए इसे जनाधार की डकैती कहा था। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि जदयू को दोबारा चुनाव करानी चाहिए थी, क्योंकि बिहार की जनता ने महागठबंधन को चुना था, एनडीए को नहीं। पिछले साल जदयू में शामिल होने वाले प्रशांत किशोर ने जब टीवी इंटरव्यू में कहा कि जदयू को दोबारा चुनाव कराकर सरकार बनानी चाहिए थी, तो उनका वह बयान विपक्षी पार्टियों की लाइन से मेल खाता था और यही बात जदयू के नेताओं को खट रही है। जदयू को प्रशांत किशोर की यह बात इसलिए भी खटक रही है कि यह सीधे तौर पर नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर सवाल उठाता है, जो अक्सर अपने भाषणों में महात्मा गांधी के बताए सात पापों का जिक्र करते हुए कहते हैं, सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने प्रशांत किशोर की टिप्पणी पर कहा था, पार्टी के उपाध्यक्ष का बयान हमारे आरोपों को पुख्ता करता है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2014 के आम चुनाव में भाजपा का चुनावी प्रबंधन किया था। इसके बाद नाटकीय घटनाक्रम के तहत वह भाजपा से अलग हो गए और 2015 में जदयू के लिए चुनावी रणनीति पर काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के चलते नीतीश ने बिहार विकास मिशन का गठन कर प्रशांत किशोर को अहम जिम्मेवारी सौंपी और कैबिनेट मंत्री की हैसियत दे दी। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन काम किया, लेकिन बाद में वह इससे अलग हो गए। फिर एक दिन अचानक सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि प्रशांत किशोर जदयू में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन बाद वह पार्टी में शामिल भी हो गए और नीतीश कुमार ने भी उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया। माना जाता है कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जदयू में एंट्री कराई। जदयू के कुछ नेताओं का कहना है कि नीतीश रणनीति बनाकर काम करने में विश्वास करते हैं, इसमें नैतिक या अनैतिक बातें कोई मायने नहीं रखती। नीतीश की तरह प्रशांत किशोर भी रणनीति बनाकर काम करते हैं। दोनों को एक दूसरे की ये खासियत रास आ गई। सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने और तुरंत उपाध्यक्ष बना दिए जाने से जदयू के कुछ नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। असल में नेताओं को लग रहा है कि नीतीश जमीनी नेताओं को अहमियत न देकर ऐसे व्यक्ति को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जिसने पार्टी के लिए कभी पसीना नहीं बहाया। प्रशांत किशोर के उपाध्यक्ष बनाने से कई खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। एक बात ये भी है कि प्रशांत किशोर सीधे नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वे जब गुजरात में काम करते थे तब भी मोदी तक उनकी सीधी पहुंच होती थी। 2015 में जब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम शुरू किया, उस वक्त उनसे वे सीधे संपर्क में रहते थे। यहां तक कि उन्होंने अपना दफ्तर भी नीतीश के आवास में ही बना लिया था। आने वाले दिनों में ये देखना रोचक होगा कि प्रशांत किशोर इस चक्रव्यूह से खुद को बाहर निकाल पाते हैं या नहीं। फिलहाल दोनों ओर से सियासी बिसात पर चालों की भरमार है। इस मुकाबले में अभी तक तो प्रशांत किशोर ही भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सिर पर नीतीश कुमार का हाथ है। पॉलिटॉक्स के लिए पटना से उमेश कुमार राय की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।